Hello dear student, this is another video of the chapter retirement or death of a person. बेटा इसको कराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो CBSE है उन्होंने सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया अकाउंटेंसी का. जैसे मैंने आपको कराया था फंडामेंटल और पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, एज इट इज है. दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर जो मैंने करवाया था चैप्टर, उसमें भी कोई चेंज नहीं है. ठीक है, उसके बाद मैंने कराया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है उसका जो है क्या चेंज आया है. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो मैंने कराया था, जिसके अंदर हमने पार्टनर की कैपिटल को रिवाइज किया था, वो टॉपिक जो कट चुका है. इसलिए आप वो वाला मत देखिए, वो वीडियोस मत देखना, क्योंकि वो पेपर में आएगा मेरे सिलेबस. उसके बाद जो है अभी तक मैंने जितना रिटायरमेंट का कराया है सारा आएगा, जितना मैंने अभी तक करवाया है. सिर्फ एक जो मैंने क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वीडियो में 41 कराया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक ही स्टार्ट किया था, तो वो वाला जो है, और उसके अलावा मैंने 42 समझा दिया था, 43 करवाया था, तो वो वाला आप मत करिए. 41 से लेकर आगे मत करिए. आज मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, एक तो 40 क्वेश्चन वो तो सिलेबस में है, और एक क्वेश्चन और है जो हिडन गुडविल वाला है, जो इस चैप्टर का रिटायरमेंट टॉपिक का लास्ट है टॉपिक. डेथ की बात अभी मैं नहीं बता रही, अभी मैं रिटायरमेंट के बारे में बात कर रही हूँ. तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ. तो आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है, एक तो लास्ट है, रिटायरमेंट 1 से लेकर 40 तक वो तो आने ही आने हैं. और एक छोटा क्वेश्चन नंबर अभी मैं बताती हूँ आपको, जो हमारा रिटायरमेंट वाला है 57 क्वेश्चन, वो सिलेबस में है. मतलब दोबारा सुन लो कि 1 से लेकर 40 तक तो आई है सिलेबस में, और 57 क्वेश्चन भी हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है. जो 41 से लेकर 56 तक है क्वेश्चन, अब सिलेबस में नहीं है, तो आप मत करिए. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है मैंने अभी नहीं करवाया था, तो ये अलग है थोड़ा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा. डेथ ऑफ ए पार्टनर का मैं अभी आपको बाद में समझाती थी क्या चीज बीत हुई है और क्या रह गया है. पहले क्वेश्चन नंबर 40 को समझ लीजिए. अनंत बिहारी एंड शिविंग आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म. बिहारी रिटायर्स एंड हिज नेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 40,000. क्या मतलब है, 3 पार्टनर है जिनकी रेशो 1:1:1 होगी, मतलब दी हुई है 1/3, 1/3, 1/3. इसमें से बिहारी जो है वो रिटायर हो जाता है बिजनेस में से, और उसका टोटल मिलाकर शेयर कैपिटल और गुडविल का शेयर दे रखा है 40,000. ही इज पेड इन काइंड. काइंड की फॉर्म में दिया गया, क्या दिया गया, उसमें व्हीकल दिया गया 20,000 का, विच इज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. जो अनरिकॉर्डेड है बुक्स में, अनरिकॉर्डेड है तो पहले हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिकॉर्डेशन अकाउंट में. तो हमारी एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड जो व्हीकल है उसकी एंट्री होगी व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट. उसके बाद जो रिवोल्यूशन टू अनंत कैपिटल टू बिहारी कैपिटल टू शिविंग कैपिटल, जो ये हमारा गेन है हम इनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब उसको क्या कहा गया, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन कैश. कि हमने जो पेमेंट करनी थी ना बिहारी को 40,000, तो पता ही आपको किस चीज़ का, कैपिटल और गुडविल का, और उसके अलावा जो हम अभी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट देंगे वो जितना भी टोटल आएगा उसको हमने कैसे दिया, कि हम एक तो मोटर व्हीकल ले गया वो 20,000 का, बाकी हमने उसको कैसे पेमेंट किए, कैसे पेमेंट किए. पूछा क्या गया, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट टू बिहारी इन द बुक्स ऑफ द फर्म. कि आपको ये पूछा गया है बिहारी की जो भी पेमेंट्स है उसके रिलेटेड एंट्रीज करनी है. तो बेटा आप इसको समझ लीजिए, जनरल ही बनाना है इसके अंदर, और कुछ बनाने को कहा नहीं गया. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पार्टनर का नाम क्या है, आनंद बिहारी एंड शिव. ठीक है, इनके आप रेशो लिख भी लोगे 1:1:1, बस इतना सा थोड़ा सा ही वर्किंग नोट है, जरूरत नहीं है वैसे. आनंद बिहारी और कौन है हमारा पार्टनर, ये है शिविंग. इनकी रेशो क्या दी हुई है, इक्वल है, इक्वल मीन्स 1:1:1. इसमें से बिहारी जो है वो क्या हो गया, रिटायर हो गया है, तो इसका शेयर चला गया था अंदर शिविंग का, कितना हो गया 1:1. बस इतना लिख लिया, फिर अब आप बनाइए बेटा जर्नल. क्लियर, जर्नल का फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा, अब तक काफी टाइम से करवा चुके हैं. डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट. सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में हमारे पास अनरिकॉर्डेड व्हीकल पड़ी है जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. हमारे में गेन है, हम कहाँ पर डालेंगे, हम रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट पर डालेंगे. अगर हम
कहा जाता है, पर इसमें नहीं कहा गया। तो आप सीधा ही एंट्री कर दो व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बी कंडीशन अकाउंट। जिस डेट को रिटायरमेंट होती है उस डेट को ये एंट्रीज होती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या डेट दी हुई है, नहीं दे रखी तो आप एंट्री कर दीजिए व्हीकल अकाउंट डेबिट टू री कंडीशन अकाउंट। व्हीकल अकाउंट डेबिट टू री कंडीशन अकाउंट अमाउंट इज 20,000। क्लियर? अब आप क्या लिखोगे, बीइंग मोटर व्हीकल बीइंग अनरिकॉर्डेड मोटर व्हीकल ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर कहाँ की है, टू री कंडीशन अकाउंट। मोटर व्हीकल नहीं, खाली व्हीकल ही दिए तो व्हीकल ही दो। ट्रांसफर टू री कंडीशन अकाउंट, पहले तो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हमारे पास और कोई आइटम नहीं है री कंडीशन की, तो री कंडीशन पहले कहाँ आया, क्रेडिट में तो अब कहाँ आ जाएगा, डेबिट में तो एंट्री क्या आ जाएगी। री कंडीशन ये हमारे लिए गेन है, री कंडीशन अकाउंट डेबिट टू जो ये प्रॉफिट है सबको मिलेगा। अनंत कैपिटल अकाउंट टू बिहारीज कैपिटल अकाउंट टू शिविंस कैपिटल अकाउंट। जो हमारा रिवेल्यूशन का गेन है वो हम सभी पार्टनर में बांटेंगे। ठीक है, अब हमारा गेन कितना बेटा, 20,000 का गेन है। हम क्या करेंगे, पार्टनर में उनकी ओवरेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब आप जैसे देखिए 20,000 इंटू 1/3 6666 आएगा, 6666 तीनों का लेके आना चाहिए। पर एक का आप दो का ऐसे कर लो, 7 7 बोलिए 6667। ठीक है, ताकि पूरा हो जाए 20,000। तो आप क्या लिखेंगे, बीन गेन ऑन प्रॉफिट भी ले सकते हो, गेन ऑन रिवेल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो हमारा प्रॉफिट आया है रिवेल्यूशन का, वो हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब बात करते हैं हम बेटा कि अब जो हमारा जा रहा है पार्टनर का नाम क्या है, बिहारी रिटायर हो रहा है, तो हम बिहारी को क्या क्या देंगे, कुछ पैसे कैश में देंगे और कुछ जो हम मोटर व्हीकल के भी दे देंगे। तो अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि बिहारी को हमने टोटल कितने देने हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा, ध्यान से देखो, बिहारी को हमने 40,000 वैसे देने हैं किसके, कैपिटल और गुडविल के, और 6667 किसके देने हैं हमने, जो अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट है। देखो 40,000 हमने उसको कैपिटल गुडविल के देने हैं। अब हमें नहीं पता कितनी कैपिटल कितनी गुडविल, नहीं पता, दोनों को मिलाकर। उसके अलावा हमने 6667 किसके देने हैं, रिवेल्यूशन का प्रॉफिट देना है, मीन्स 46,667 रुपीज़ देने हैं। किसको देने हैं, बिहारी को। तो अब उसको उसके बदले में क्या मिला, उसके बदले में उसको एक तो व्हीकल मिल गई और बाकी कैश मिल गया। तो आप लिख लीजिए बेटा, क्या लिखेंगे आप, बिहारीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जितना उसको देना है, ध्यान से देखो कितना देना है, 46,672। क्या दे रहे हैं, व्हीकल दे रहे हैं 20,000 में, व्हीकल अकाउंट 20,000 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड टू कैश अकाउंट। अगर आप कैश अकाउंट लिखेंगे बेटा तो भी ठीक होगा, बैंक अकाउंट लिख सकते हो आप तो भी ठीक होगा। आप कितना लिखोगे, माइनस करके लिख लो, 26667 बीइंग मोटर व्हीकल एंड कैश गिवन टू बिहारी। बिहारी को हमने क्या दे दिया है, एक तो मोटर व्हीकल दे दी है और एक क्या दे दी है, कैश दे दिया। आप चाहे इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, 40 इससे रिलेटेड ही है, 40 इसके अंदर भी क्या है, जैसे पार्टनर चला जाता है तो हम उसको अगर अनरिकॉर्डेड एसेट दे दें
ठीक है, कुछ अनकोटेड ऐसा हम उसको दे देते हैं और कुछ कहते हैं कि तू ना कुछ पैसे हमसे ले जा, कैश में ले जा, तो तू कैश लिख सकते हैं, हम ये उनकी बैंक में भी लिख सकते हैं, तू बैंक अकाउंट करके, ठीक है, मैं एक बार फिर भी दे के बता देती हूँ, यही है, तू कैश भी लिखा जा सकता है और तू बैंक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीन एंट्रीज होनी है बेटा। इसके बाद जो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक किया था पिछली वीडियो में 41 और 43 कराया था, वो अब आप मत करिए क्योंकि ये अब सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज जो है जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट जो वो इम्पोर्टेंट था लास्ट टाइम, वो आपका था पेपर में, लेकिन अब आपको करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा इसी रिटायरमेंट टॉपिक का ही एक लास्ट टॉपिक है हिडन गुडविल, जो कि क्वेश्चन नंबर 57 है। पहले मैं आपको बता दूँ हिडन गुडविल क्या होती है। हिडन का मतलब छुपा हुआ। अब गुडविल छुपी हुई कैसे है, जैसे मान लो एक बंदा चाह रहा है ABC पार्टनर है, बी की रिटायरमेंट हो रही है, रिटायरमेंट के टाइम हमें उसको 5 लाख रुपए देने थे, पर हम उसको कितना दे रहे हैं, 6 लाख रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उसको 1 लाख फालतू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको गुडविल का शेयर दे रहे हैं। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, ABC तीन पार्टनर है और बी जा रहा है बिजनेस में से रिटायर हो रहे हैं मीन्स, तो बी जो है 5 लाख रुपए हमारा क्या करना था, उसको देना था सारा कुछ मिला के, जो मर्जी लिखा हो कि कैपिटल है ये वो, क्या कहते हैं रिजर्व्स हो गया या प्रॉफिट्स का हिस्सा होगा, सारा कुछ करने के बाद जो उसको देना था हमें 5 लाख देना था, पर अब हम उसको 6 लाख दे रहे हैं। तो वाला क्या है, हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल जो निकलेगी ना वो कौन देगा, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पर ए और सी कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को इन देयर गेनिंग रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 57 कराओगे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:3। वाई रिटायर्स ऑन दिस डेट हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द रिजर्व्स एंड रीवैल्यूएशन एग्जिस्ट एट 2 लाख। कि तीन पार्टनर दे रखे एक्स वाई जेड जिनकी रेशियो 4:9, 2:9, 3:9 है। वाई रिटायर हो गया उस डेट को, जिस डेट को रिटायर हुआ उसके रिजर्व्स का पैसा, कैपिटल का पैसा, रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट है कुल मिलाकर 2 लाख रुपीज बनता है, ठीक है। एक्स एंड जेड एग्री टू पे हिम 2,40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लेकिन एक्स और जेड कहते हैं हम उसको 2 लाख रुपीज नहीं देंगे, हम उसको 2,40,000 देंगे। तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 40,000। तो जो 40,000 है वो हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल किसकी है, फर्म की नहीं है, वाई की है, क्योंकि वाई का रिटायरमेंट के टाइम हम जब ज़्यादा दे रहे हैं, कितना ज़्यादा दे रहे हैं, 2 लाख देना था, 2,40,000 दे रहे हैं, तो 40,000 उसकी गुडविल का शेयर आ जाएगा। Record assessing general entity for the treatment of goodwill if X and Z decided to share future profit equally। अब उन्होंने कहा कि हमें general entity करनी है treatment of goodwill की, और जा कौन रहा है यहाँ पे Y, और X और Z क्या करते हैं फ्यूचर में इक्वल बांटेंगे। तो इस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो भी दी हुई है, न्यू रेशियो भी दी हुई है, तो आप क्या करोगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके गेनिंग रेशियो निकालोगे, फिर हम देखेंगे कि कितना जो है उसका अभी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि कितनी हिडन गुडविल है। वो तो मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया प्रैक्टिकल में, जो कि हम क्या करेंगे वाई को दे देंगे, कौन देगा एक्स और जेड, कौन सी रेशियो में गेनिंग रेशियो में देंगे, तो इसकी एक ही जनरल एंट्री बनेगी। पर आप पहले बना लीजिए बेटा वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे पहले आप पार्टनर का नाम लिखिए, उनकी ओल्ड रेशियो लिखो, फिर न्यू रेशियो लिखो, फिर आप गेनिंग रेशियो निकालो सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 57। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, जिसमें से हमारा वाई रिटायर हो गया, पहले रेशियो लिख लो 4:2:3, दैट इज ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब इसमें से वाई हो गया रिटायर, वाई की रिटायरमेंट के टाइम हमें न्यू रेशियो दी हुई है एक्स और जेड की, कि वो क्या करेंगे फ्यूचर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स गेन लिखो, एक्स गेन न्यू इज 1/2 एंड ओल्ड इज 4/9, कैसे 4+2 6+3 9, एलसीएम आगे 18, 9 माइनस 8 1/18। आगे लिखेंगे हम जेड्स गेन, जेड्स गेन 1/2 न्यू है और ओल्ड है 3/9, 18 एलसीएम 9 माइनस 6 3/18। तब लिख लीजिए गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एक्स इज टू जेड, एक्स की इतनी 1/18, जेड की है 3/18, तो आंसर आ गया 1:3। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि गुडविल कैसे निकलेगी।
अब और लिखेंगे जो हमारा पार्टनर जा रहा है वाई, उसका हम अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट एग्रीड टू, अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू जेड, जो एग्रीड हुआ है कि पे करना है हमें जेड को 240,000 लेस जेड्स कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद है, इसको हम इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, दैट इज रुपीज 2 लाख। तो ये इसके बारे में बात हो रही है जेड की, सॉरी जेड नहीं सॉरी वाई, वाई वाई की बात हो रही है यहाँ पर, वाई रिटायर हो रहा है तो वाई की बात करेंगे। तो डिफरेंस जो आ जाएगा 40,000, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हिडन गुडविल। ये किसकी गुडविल है, उस पार्टनर की गुडविल है जो यहाँ से जा रहा है रिटायर होके 40,000। तो 40,000 की गुडविल कौन देगा उसको, एक्स और जेड देंगे, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो 1:3 जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी। आप बेटा बनाइए जर्नल, जर्नल में एक ही एंट्री होगी बेटा जर्नल। इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी हुई कि इस डेट को रिटायर हुआ, तो डेट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे। आप लिखेंगे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, ठीक है, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप पहले तो आप देखिए यहाँ से पार्टनर जा कौन जा रहा है, पार्टनर का नाम है वाले जो जा रहा है, तो हमें एंट्री आती है जब हम पार्टनर को भेज रहे हैं, ठीक है, उसका हिस्सा गुडविल का देकर। तो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है जिसको हम गेनिंग पार्टनर कहेंगे, क्योंकि गेनिंग पार्टनर यहाँ पर एक्स और जेड है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और कौन है जेड, जेड ने भी गेन किया है। टू कौन जा रहा है यहाँ पर, वाई जा रहा है, टू वाई इज कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने क्या निकाला था, 40,000 जो है गुडविल का शेयर निकाला था, तो 1:3 आई थी, 40,000 का 1/4 देगा पहला पार्टनर, यानी कि 10,000 देगा पहला, और 30,000 कौन देगा तीसरा पार्टनर, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बस इतना ही बोलते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ये भी लिख सकते थे आप, कि हमने क्या किया, तो उसकी 40,000 की गुडविल लिखनी है, किसकी, जेड की, सॉरी वाई की, वो किसको दे दी है, वाई के को ही दी गई है, पर किसने दी है बेटा, जो पार्टनर रह गए हैं जिन्होंने गेन किया था। अब जरूरी नहीं होता कि जो पार्टनर रह गए वही दें, पर इसका रीजन ये है कि हो सकता है किसी एक ने गेन ना ही किया हो, जैसे मान लो एक पार्टनर का 0 आ जाता शेयर और न्यू माइनस होल्ड करके, तो वो गुडविल का शेयर ना देता किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, पर इस सिचुएशन में दोनों ने गेन किया था, किसने, एक्स और जेड ने, तो एक्स और जेड ने दी है शेयर ऑफ गुडविल किसको, जो पार्टनर गया है जिसका नाम है वाई। ओके बेटा, मैं बात करूंगी, नया टॉपिक है जो, मतलब दूसरा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो जेड की डेथ हो जाती है। अब जो बंदा मर गया वो तो हम उसको कुछ दे नहीं सकते, है ना, तो जो भी उसको देना है कुछ भी, तो वो उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं। एग्जीक्यूटर कौन होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम देते हैं, क्या देते हैं, जो जो जेड को देना था, जैसे क्या दे सकते थे, पार्टनर का कैपिटल का हिस्सा जिसकी डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल का हिस्सा, शेयर इन रिजर्व्स, शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है, शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट देंगे, अगर लॉस आ रहा है तो लॉस उसको देंगे, और उसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे शेयर इन गुडविल, गुडविल का हिस्सा भी देंगे उसको, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़े हैं, कॉन्टीजेंसी रिजर्व पड़े, जो हमने रिटायरमेंट में किया ना बेटा, सारा कुछ जो है डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पहले हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं,
फिर जो उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं देते हम तो। लेकिन ये सिलेबस में से कट गया है कि डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ये सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में मैं कराऊंगी वहीं पर आपको वैसे बताना चाह रही हूँ कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके एग्जीक्यूटर को हम उसका कैपिटल का शेयर देते हैं और प्रॉफिट का शेयर देते हैं। अगर लॉस हो तो लॉस का शेयर बियर करना पड़ेगा या फिर रिजर्व्स में शेयर्स देना पड़ेगा, गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे रिवेल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आता है वो देना पड़ेगा। अगर वो विड्रॉ कर गया ड्रॉइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है डेबिट साइड, वो तो आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाए वो भी PNL का लॉस आ जाता है तो वो भी डेबिट में ट्रांसफर हो जाता है। मीन्स कहने का कि वो सारा कुछ जो हम रिटायरिंग पार्टनर को देते थे उसके अलावा डिसीज पार्टनर को हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। जितना टाइम तक वो बिजनेस में रहा, जितने मंथ तक वो रहा, ठीक है, वो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अगर डेज के हिसाब से डेथ हुई तो डे के हिसाब से हम काउंट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 365, है ना। और अगर हम उसके अलावा मैं क्या कह रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बता दिया, प्रॉफिट भी होता है, हम प्रॉफिट का हिस्सा पिछले साल का तो पूरा ही मिलेगा ना, लेकिन इस साल जो है अप टू द डेट ऑफ डेथ मिलता है कि जब तक डेथ नहीं हुई तब तक तो बिजनेस में था ना, तो वो प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो हमारे सिलेबस में ना जितने भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए ना वो सारे कट चुके हैं। आगे आपने ये वाले सारे पॉइंट्स नहीं करने, पर सिलेबस के अंदर हमारा है क्या टॉपिक वो समझ लो, प्रॉफिट अप टू द सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ। इसका मतलब क्या समझना पहले कि जैसे हमारा एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, है ना, तो इसमें से मान लो वाई की डेथ हो जाती है ना, तो वाई को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है अप टू द डेट ऑफ डेथ का मतलब लिख लो, या टिल द डेट ऑफ डेथ, एक ही बात है कि जब तक वो बिजनेस के अंदर था तब तक हम उसको क्या देते थे, उतना ही हिस्सा प्रॉफिट का देते थे, ठीक है। इसके ना बेटा दो केसेस हैं, एक तो होता है टाइम बेसिस और एक होता है टर्नओवर बेसिस, जिसको हम टर्नओवर बेसिस भी कहते हैं और सेल्स बेसिस। अब मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, लेकिन पहले आप इस चीज को समझ लेना टाइम का मतलब क्या है। टाइम का मतलब है जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देना है, जैसे एक्स वाई जेड है, ठीक है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की, ठीक है। लेकिन हमारा जो उसमें से वाई की डेथ हो जाती है, वाई की डेथ कब हुई है, वाई की डेथ जो है वो हुई है मानो 30 जून, तो कितने महीने मर गया वो देखो, अप्रैल मई जून, 3 मंथ, तो टाइम बेस हो गया 3 मंथ, 3/12 करेंगे किसका, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट का 3 मंथ लिखा हुआ है या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का 3 मंथ लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन कराऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट हमारे 20,000 दे रखा है, ठीक है, और तीनों इक्वल पार्टनर है, 1:1:1 में बांटते हैं, तो डेथ किसकी हुई है, वाई की, तो 20,000 × 1/3 करेंगे इंटू 3/12, 3/10 क्या है टाइम पीरियड है कि उसकी डेथ कब हुई है, जून में हुई है, 30 जून को, तो अप्रैल मई जून लेंगे, समझ आया। टाइम बेस में हम क्या लेते हैं, या तो मंथ लेते हैं या डेज लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा मंथ लेना है या हमें कैसे पता चलेगा कि डेट वो लेना है, डेज लेने हैं, डिपेंड करते हैं आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे कि उसकी डेथ कब हुई है पार्टनर की। पार्टनर की डेथ जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 30 जून को हुई है, तो पूरा जो है 3 मंथ बाद हुई है। अगर मैं कहती हूँ 15 जून को हुई है तो भी मैं मंथ गिन सकती हूँ कैसे, 2.5 मंथ्स, ठीक है। अगर 15 जून होती या 16 जून होती तो वो 2.5 मंथ ही लेते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उस बंदे का, वाई से शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना हमारा प्रॉफिट होगा इनटू हिज शेयर मतलब उसका हिस्सा, इनटू टाइम अपॉन 12, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, टाइम बेसिस में हम क्या करते हैं, डिसीज्ड पार्टनर्स, डिसीजर्स जिसकी डेथ हुई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट लो, यानी प्रीवियस ईयर्स
प्रॉफिट्स और या फिर दोनों में से एक लिखा होगा और एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से एक लिखा होगा, क्वेश्चन में डिपेंड करता है लैंग्वेज क्या है, दोनों में से एक आएगा बेटा, और की जगह मैं स्लैश लिख देती हूँ, इनटू ही इज द शेयर, जैसे मैंने भी बताया 1/3 इनटू मंथ्स अपॉन 12 या डेज अपॉन 365। अब मैंने ये दोबारा समझाना आपको कि क्वेश्चन में मान लो एक्स वाई जेड में से वाई की डेथ हो जाती है और वाई का हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो पहले कि क्या कहा गया है कि डिसीज पार्टनर को पिछले साल के प्रॉफिट का हिस्सा देना है या पिछले साल के मान लो 3 सालों का एवरेज लेना है, 4 सालों का एवरेज लेना है, वो आपको आपका कैसे निकालते हैं। इनटू हिज शेयर, हिज शेयर जैसे मैंने 1/3 बोला, इनटू मंथ अपॉन 12, मंथ कब लेने हैं, जब मंथ के हिसाब से उसकी डेथ हुई कि मंथ कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जैसे 31 अगस्त को उसकी डेथ हुई है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स लेंगे, 5/12 लेंगे। अगर मान लो हम ये कहें कि उसकी डेथ जो है 24 अगस्त को हुई है, फॉर एग्जाम्पल 24 अगस्त का मतलब क्या है, बीच में हुई है ना, 15 अगस्त है ना 31 अगस्त है, हम डेज कैसे गिनेंगे वो समझ लेना, हम लेंगे डेज ऑफ अप्रैल, अप्रैल के दिन होते हैं 30, मई के कितने होते हैं 31, जून के कितने होते हैं 30, जुलाई के कितने होते हैं आपको पता है 31, अगस्त के मैं वहां तक लूंगी जब तक वो जिंदा है, बिजनेस के अंदर वो है, एग्जिस्ट कर रहा था, 24 अगस्त को ये तो हमने वहां तक काउंट करना है, किसका आ जाएगा 156 डेज। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, डेज भी हो सकता है मंथ भी, हमें कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि उसकी डेथ कब हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल है 24 अगस्त को उसकी डेथ हुई है, तो हम ये तो मानेंगे ना कि वो 24 अगस्त तक था हमारे बिजनेस में, चाहे उसकी सुबह ही क्यों ना डेथ हुई हो, तो हमारे तब तक तो था ना वो बिजनेस में, अप्रैल के कितने, अप्रैल से क्यों होंगी ना, क्योंकि 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग डेट है, तो अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 24, तो अब आप काउंट करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, दोबारा मैं फिर भी देख लेती हूँ, 146 आ जाएगा। तो अब जो ये 146 आएगा हम कैसे लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अगर कहा है तो प्रीवियस ईयर का लेंगे, एवरेज प्रॉफिट कहा है तो एवरेज लेंगे, इनटू हिज शेयर इनटू अब हम कितने लेंगे 146 अपॉन 365, जब डेज हो तो डेज लेंगे, नीचे 365 आएगा, अगर मंथ के हिसाब से डेट होगी तो मंथ अपॉन 12 आएगा। ये अभी मैंने आपको क्या बताया, टाइम बेस कराया है कि टाइम बेस के हिसाब से हम जो पार्टनर डिसीज्ड है, जिसकी डेथ हुई है, उसको हम कैसे देते हैं क्या प्रॉफिट का शेयर। बाद में मैं आपको कराऊंगी टर्नओवर बेसिस, पहले मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 58 कराने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म, बी डाइड ऑन 31st August 2018, बी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, अंडरलाइन करो उस लाइन को, टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब इस लाइन को भी इंप्लीमेंट करो, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। उन्होंने कहा ए बी सी में से बी की डेथ हो जाती है 31 अगस्त को और हमने उसको क्या देना है, प्रॉफिट का हिस्सा देना है, पिछले 3 सालों का एवरेज लेना है, ठीक है, यानी कि 31st अगस्त 2018 को डेथ हुई है तो 31st मार्च 2018 का प्रॉफिट लेना है, 31 मार्च 2012 का, 17 का लेना है और 16 का लेना है, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ हर डेथ, बी की डेथ हो जाती है और उसका हिस्सा निकालना है, एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम, assuming that केस वन क्या है, देर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए सी, कि ए सी की रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, मीन जो बच जाती बी के बाद वही रेशियो उनकी क्या होती है, वही रेशियो उनकी गेनिंग रेशियो भी होती है और न्यू रेशियो भी होती है। केस टू में क्या, देर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड सी एंड द न्यू रेशियो इज 7:5, न्यू रेशियो दी हुई है। अब आपको एक पॉइंट जो बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अब इस क्वेश्चन में ए बी सी में से बी की डेथ हो गई है, मंथ तो समझ आ रही है कि 31 अगस्त तक है, तो आप काउंट करें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ का हमने उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है, कौन से वाले प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का।
एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है इनटू हिज शेयर इनटू 5/12 उसका हिस्सा आ जाएगा। अब इसकी एंट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस वन में क्या है कि ए सी की जो रेशो है वो हमें क्वेश्चन ए बी सी की रेशो नहीं दे रखी, तो 1:1:1 हो जाएगी, ठीक है। अब जो हम बी को सर्कल लगा देंगे कि बी की तो डेथ होगी, ए और सी बच जाएंगे जो पार्टनर जिसको हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, उनकी रेशो 1:1 रह जाएगी ना। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें हमने कोई कैलकुलेशन तो नहीं की ना, ए बी सी में से बस हमने सर्कल लगा दिया बी को, तो ए और सी के तो वही रही ना जो बच गई 1:1, उसमें कोई चेंज नहीं आया ना, तो जनरल एंट्री पता क्या होगी, जो हम प्रॉफिट का हिस्सा देंगे किसको, बी को, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ लेना, बी जा रहा है बिजनेस में से, चाहे डेथ हो गई है चलो, लेकिन हमें तो देना पड़ेगा ना डिसीज पार्टनर को, चाहे उसकी डेथ होगी उसको नहीं दे सकते, देंगे तो उसके एग्जीक्यूटर को ही, पर पहले हमारी बिजनेस जो है सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ना। तो एंट्री क्या होगी सिचुएशन वन में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पर सेकंड सिचुएशन में क्या है, हमें न्यू रेशो दी हुई है, इट मीन्स हम न्यू माइनस ओल्ड करके गेनी निकाल सकते हैं ना, पिछले में तो हम गेनी निकाल ही नहीं सकते थे क्योंकि जो बच गई थी वही गेनी थी, तब तो एंट्री क्या थी पीएनएल सस्पेंस टू बीज कैपिटल। लेकिन जहां पर हमारे पास कोई सोर्स हो गेनी रेशो निकालने का, जैसे न्यू माइनस ओल्ड करके कर ली, या लिखा होता कि बी अपना हिस्सा ए और सी को इस रेशो में बेच कर गया, या सारा सेक्रीफाइस सॉरी सारा जो है गेन सी ने किया या सारा गेन ए ने किया, मीन्स कोई सिचुएशन ऐसी हो कि हमारी गेनिंग रेशो निकल सकती हो, तो उस सिचुएशन में हम पी एन एल सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। तो हम जैसे हमने गुडविल की एंट्री करी थी ना, क्या थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग वर्ड था हमारे यहाँ पर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, समझो इस बात को कि अभी आपको मैं सिचुएशन समझाई देती हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले ही आप प्रीवियस क्वेश्चन को करने से पहले ही आप लिख लीजिए केस वन अभी क्वेश्चन नहीं करा रही, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, तो केस वन में देखो इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग का मतलब समझा आ गया होगा जो बिजनेस में अभी कॉन्टिन्यू करेंगे बिजनेस, तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस वर्ड मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये तो सस्पेंस की बात है, किसी भी पार्टनर की किसी भी टाइम डेथ हो सकती है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरा कहने का क्या मतलब है कि उसका हिस्सा हम उसको देंगे, डिसीज मतलब जिसकी डेथ होगी है उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये था केस वन, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं था, कोई हम निकाल नहीं सकते थे क्वेश्चन में, सिर्फ जैसे ए बी सी में से बी की डेथ हो गई या जिसकी भी डेथ होगी उसको छोड़कर जो बच गया उनकी गेनिंग रेशियो वही है जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब केस टू मैं क्या बताने जा रही हूँ, इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का मतलब जो पार्टनर रह रहे हैं बिजनेस में वो उनकी रेशियो चेंज है, किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि हमें ये पता चला जैसे ए बी सी है उसमें से बी की डेथ हो जाती है, ए और सी की न्यू रेशो दी है, या तो वो सिचुएशन हो सकती है, या ये हो सकता है कि बी का हिस्सा जो है ए और सी को इस रेशो में दिया गया, कोई भी सिचुएशन हो तो हमारी एंट्री अब ये नहीं रहेगी, देंगे तो डिसीज पार्टनर को ही, तो आप लिखोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेशन क्या मैं बताती हूँ, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का क्या मतलब है मेरा, जो गेन कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो गेन कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं, तो ए इज कैपिटल सी इज कैपिटल टू कौन किसकी डेथ होगी है टू बी इज कैपिटल आएगी, तो मतलब रेशो कौन सी होगी, गेनिंग रेशो होगी, होगी भी यहाँ भी गेनिंग ही, मतलब कहने का कि उसका हिस्सा ही लेना है, यहाँ तो गेनिंग का मतलब ही नहीं बनता,
क्योंकि जो उनकी रेशो बच जाएगी वही उनकी न्यू रेशो होगी जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, या वही उनकी गेनिंग रेशो होगी। इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर चेंज है क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक सिचुएशन है जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा रेशो में, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट करना। जिसमें रेशो में चेंज आ रहा है, किसी भी तरीके से चेंज आ रहा है, तो हम गेनिंग पार्टनर्स, जैसे हम गुडविल की एंट्री करते थे ना रिटायरमेंट वाले केस में कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप स्लैश करंट अकाउंट भी लिख लीजिए। वो आपको पता है कि जब क्या होता है कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट वाले यूज किया जाता है। यहाँ पर ये लिख लीजिए, यहाँ पर भी लिख लो करंट अकाउंट, पता ना वो कौन सी सिचुएशन होगी जब कैपिटल क्या होगी फिक्स होगी, ठीक है, स्लैश करंट अकाउंट। नरेशन तो मैं भी आपको बताती हूँ जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। आप बताइए सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रही हूँ बेटा, इसका वर्किंग नोट बना लो क्योंकि इसके नोट्स जो हैं दो बनेंगे केसेस के, कि दो हैं तो आप लिख लीजिए 58 क्वेश्चन ए बी सी, इनकी जो है ओल्ड रेशो बी नहीं है क्वेश्चन में तो पता ही आपको, जब बना दिए तो 1:1:1 हो जाएगी ओल्ड रेशो। अब जा कौन रहा है पहले तो ये देखो, जा मीन्स यहाँ बेटा किसके लिए बी की होगी, तो गेनिंग रेशो निकाल लो चाहे, बस तो जरूरत नहीं हमें 1:1 ही रहेगी, 1:1 ये केस वन है, केस वन में बेटा। अब बात करें हम केस टू की, केस टू ए बी सी पहले लिख लो उनकी रेशो 1:1:1 है, और जो जा यहाँ डेथ किसके लिए बी की, और ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो दी हुई है हमें, न्यू रेशो इज गिवन दैट इज 7:5। तो अब आप निकालिए ए इज गेन, न्यू इज दैट इज 7/12 एंड ओल्ड इज 1/3, ऐसे विल बी 12, 7-4 3/1। नाउ सी इज गेन, इट इज 5/12 -1/3, एलसीएम विल बी 12, 5-4 1/1। गेनिंग रेशो इन दिस सिचुएशन विल बी गेनिंग रेशो ए टू सी 3/12 एंड 1/12 3:1। अब आपको दोनों सिचुएशन समझ आ गई होंगी। एक सिचुएशन में माना जो पार्टनर जा रहा है तो हम उसमें गेनिंग रेशो निकल ही नहीं पा रही थी, जो बच गए वही गेनिंग रेशो है, और एक सिचुएशन ऐसी जिसमें मैं न्यू रेशो दी, न्यू दी होती या ये लिखा होता कि जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका हिस्सा ए और सी को इस रेशो में मिला, मतलब कोई सोर्स होता हमारे पास गेनिंग रेशो निकालने का, तो वैसे करते। अब बनाइए जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद एल एफ, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाऊं। अब हम क्या करेंगे, इसी में हम दो एंट्रीज करेंगे, एक तो केस वन की और एक करेंगे केस टू की, ठीक है। अब क्योंकि हमें मैंने सच सॉरी जनरल से पहले मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बता ही देती हूँ, छोटा सा ही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ लिखिए एवरेज प्रॉफिट्स, वर्किंग नोट्स में लिख लीजिए एवरेज प्रॉफिट्स। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, क्या कहा गया, पिछले 3 सालों का एवरेज लेना है। पिछले 3 साल हैं जिसमें हमें 16, 17, 18 किया हुआ है, प्रॉफिट कितना बेटा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000, 3 सालों का एवरेज लेना अपॉन 3, 1,62,000 आ गया अपॉन 3, 54,000 आ गया, ठीक है। 54,000 जो है पिछले साल का 3 सालों का एवरेज आ गया। डेथ किसकी हुई है यहाँ पर, हमें हमारे पार्टनर की डेथ हुई है बी की, तो बी इज शेयर लिखो ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ, लिख लीजिए बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 54,000 इंटू, ये जनरल मैं अभी रख कर रही हूँ लिख दूंगी, इंटू उसका हिस्सा कितना 1/3 इंटू कितने महीने बाद करो, देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ बाद, 5/12। दोबारा समझो मैंने क्या बोला,
मैंने ये बोला एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 सालों का लिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा 54,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। बी का शेयर कितना उसमें से 1/3 है और कितने महीने बाद मेरा वो 5 महीने कैसे अप्रैल मई जून जुलाई, तो 5/12 ले लिया, अब करेंगे हम उसको सोल्व। आंसर आ जाएगा 7500। क्लियर हो गया, 7500 हमारी जो है पार्टनरशिप फॉर्म दे दी किसको, जिसकी डेथ हुई है, जिसका नाम है बी। तो अब आप क्या करें, अब आप जनरल बनाएंगे, जनरल का फॉर्मूला मैंने आपको समझा ही दिया, लिख दिया कि क्या होता है। अब हमने अलग अलग केस लेना है, ध्यान रखना ये बात। केस वन में हमारे पास कोई सोर्स नहीं था उनकी गेनिंग रेशियो निकालने का, तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेथ की डेट हमें पता है 2018 अगस्त 31, ठीक है। आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, डेथ किसकी हुई यहाँ पर, बी की, बी इज कैपिटल अकाउंट। आंसर कितना है हमारा 7500। दोबारा बता रही हूँ कि जो हमारा 7500 का हिस्सा आया उसका किसका, जिसकी डेथ हुई है, तो हमने उसी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब बच्चे पूछते हैं मैडम उसको ही ट्रांसफर करना है, डेथ तो हो गई, मैं मानती हूँ जब उसकी डेथ होगी पर वो नहीं दे सकता, पर उसके एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा। उसके एग्जीक्यूटिव को देने से पहले हम सारा हिस्सा उसके पहले तो कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, इसको कितना कितना मिलना है। लिखिए बी, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट, कि उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर हो गया। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो बी का हिस्सा है प्रॉफिट का, वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिया है, वो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया है। अब आप अगला देखो, इसी का सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में क्या दे रखा है कि जो क्या कहते हैं उनके रेशो में क्या आ गया, चेंज आ गया है। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेथ बी ही हुई है, तो आप फिर दोबारा से लिखेंगे अगस्त 31। अब यहाँ पर कौन दे रहा है, जो बच गए पार्टनर है कौन, ए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है यहाँ पर जो बच गया है कॉन्टिन्यूइंग, जिसको कहते हैं सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहे हैं बी को, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। देना तो हमने 7500 ही है, लेकिन फर्क इतना बेटा कि गेनिंग रेशो में देना है, जो कि पहले अभी आपको बताई है गेनिंग रेशो कितनी है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। आप लिखिए 7500, ठीक है, उसको हमने बांटना उनकी गेनिंग रेशो में। बेटा जो ये 7500 की बी की जो हमारी शेयर ऑफ क्या आया है प्रॉफिट आया है, वो हम ए और सी जो उसको देगा। ये सिचुएशन टू क्या है कि हमें गेनिंग रेशो जो है निकल के आ सकती थी, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी, तो इस टू वन तो एंट्री होगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 7500 का 3/4 जो है हिस्सा कौन देगा, ए देगा 5625, और जो है 1/4 देगा 1875, तो कुल मिला के उसको 7500 का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हम नरेशन लिखेंगे बीइंग बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिटेड वर्ड क्यों लिखा है कि उनके कैपिटल क्या हो गया, डेबिट हो गई, ठीक है। मतलब दोनों सिचुएशन में फर्क है, इस सिचुएशन में क्या था कि रेशो नहीं दे रखी थी कि कौन कितना गेन कर रहा है, तो हमने जो बच गई थी वही गेनिंग रेशो थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर करते हैं, यहाँ पर डेथ बी की हुई है टू बी कैपिटल कर दिया। और सेकेंड सिचुएशन में क्या था कि डेथ तो बी की हुई है पर गेन किसने किया, ए और सी ने, क्योंकि गेन निकल सकता था, रेशो न्यू भी दे रखी थी ओल्ड भी, तो गेन निकल पाया था इस वजह से। यानी कि ए और सी किसको देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी को एट द टाइम ऑफ हिज डेथ।
समझ प्लीज या हर, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में हर लिखा तो हर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का बेटा डेथ ऑफ ए पार्टनर जो है, पहले तो वैसे मैं इस वीडियो में मैंने आज आपको क्या कराया, एक क्वेश्चन मैंने कराया रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 14, वो आपको समझ आ गया होगा, और एक क्वेश्चन हिडन गुड दिन वाला क्वेश्चन नंबर 57 कराया, जो उसके बीच वाले क्वेश्चन है 41 से लेकर 56 वो अब आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करने। और डेथ ऑफ ए पार्टनर में मैंने आपको बताया सिलेबस में बाकी सारी कोई सिचुएशन नहीं है, समझा तो मैंने दी, लेकिन क्वेश्चन जो है मैं आपको जो करवाऊंगी आपको समझ आ जाएगा कि हमने डिसीज पार्टनर का क्या करना है, शेयर और प्रॉफिट निकालना है, उसकी एंट्रीज आ सकती है पेपर में, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ये बताया था कि डिसीज पार्टनर का जो शेयर है वो कैसे निकालते हैं, एक तो टाइम बेस पर निकालते हैं, एक टर्नओवर या सेल बेस जिसको कहते हैं उस बेस पर निकालते हैं, पर अभी आपको मैंने कौन सी सिचुएशन कराई है सिर्फ टाइम बेस की, तो फिर मैं अगली वीडियो में कराऊंगी कि सेल बेस पर हम उसको प्रॉफिट कैसे देते हैं। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सेट यू विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।